साइंटिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि मेटेराइड्स टकराने से डायनासोर खत्म हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में राज करने वाला सबसे पहला रेप्टाइल कौन था, तो आप बोलोगे डायनासोर्स, है ना? पर आप गलत हो। 2300 लाख साल पहले पृथ्वी पर आर्कोसोरस, थेरापसिड, पेलिकोसोर्स का राज था। फिर धीरे धीरे कुछ लाख साल बाद डायनासोर्स में विकसित होने लगे। डायनासोर्स दो तरह के होते थे। अब आप सोच रहे होंगे शाकाहारी या फिर मांसाहारी, तो ऐसा नहीं है। उन्हें सॉरिशियन मतलब लिजार्ड हिप, ऑर्निथिशियंस मतलब बर्ड हिप में डिवाइड किया गया है। बर्ड का इवोल्यूशन लिजार्ड हिप डायनासोर से हुआ है, ना कि बर्ड हिप डायनासोर से। सभी डायनासोर्स एक साथ विलुप्त नहीं हुए। कुछ मेटेराइड्स के टकराने से खत्म हुआ, तो कुछ खाने पीने की कमी से, और कुछ वोल्केनिक इरप्शंस के कारण। डायनासोर सभी कंटिनेंट में रहा करते थे, मतलब एंटार्क्टिका में भी, पर यहाँ के डायनासोर्स के बॉडी में फर हुआ करता था ताकि वो इतनी ज्यादा ठंड से बच सके। डायनासोर्स की लंबाई 45 फीट तक होती थी। ज्यादातर डायनासोर्स के लंबे पूंछ होते थे ताकि वो बैलेंस बना पाए। डायनासोर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टेरिबल लिजार्ड। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स की उम्र 200 साल लंबी होती थी, पर साइंटिस्ट अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं। सबसे बड़ा डायनासोर्स का एग एक बास्केटबॉल के बराबर होता था, और जितना बड़ा ये अंडा होता था उसका शेल उतना ही मोटा और मजबूत। ज्यादातर डायनासोर्स वेजिटेरियन हुआ करते थे। ब्लू व्हेल्स डायनासोर से बड़ी होती है। ज्यादातर मीट खाने वाले डायनासोर्स की भून खोखली होती थी। उनका साइज तो बड़ा होता था, पर वो बहुत हल्का होते थे, बिल्कुल बर्ड्स की भून की तरह। जो डायनासोर्स पत्ते खाते थे वो चार पैर से चलते थे। जो डायनासोर्स मीट खाते थे वो दो पैर से चलते थे ताकि उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में आसानी हो। कई बार डायनासोर्स पत्थर खा जाया करते थे, और ये पत्थर इन्हें इनके खाने को पचाने में मदद करता था। जो डायनासोर्स दो पैरों से दौड़ पाते थे उन्हें बाइपेड्स कहते हैं। सभी डायनासोर्स अंडे देते थे। अब तक 40 तरह के डायनासोर्स एक को ढूंढा गया है। हाड्रोसोरस एक ऐसा डायनासोर था जिसका हजार से भी ज्यादा दांत था। स्टेगोसोरस को देखकर ऐसा लगता है कि इसके प्लेट्स बोन से अटैच्ड हैं, पर ऐसा नहीं है, ये इनके स्किन से निकलता है। अब तक का सबसे लंबा कार्निवोर डायनासोर्स स्पाइनोसोरस है, जिसका वजन 20 टन और लंबाई 50 फीट की होती थी। साइंटिस्ट का मानना है कि बर्ड्स के जीन को मॉडिफाई कर डायनासोर्स को दोबारा से बनाया जा सकता है। तो क्या जुरासिक पार्क मूवी कभी सच में भी बन सकता है? डायनासोर लिजार्ड, एक टर्टल और मैमल्स जो उस समय एग्जिस्ट करते थे उन्हें खाते थे। वैसे तो ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी हुआ करते थे, जो उस वक्त के पेड़ पौधों को खाकर जीवित रहा करते थे। ये तो हुए डायनासोर से जुड़े कुछ फैक्ट्स, लेकिन एक सवाल जो सभी को परेशान करती है कि आखिर इतने विशाल डायनासोर्स आखिर एक्सटिंक्ट कैसे कर गए? डायनासोर्स ने 2300 लाख साल के लिए पृथ्वी पर राज किया। इस बात का हमें तब पता चला जब डायनासोर्स का पहला फॉसिल मिला, पर अब तक का सबसे यंग फॉसिल 660 लाख साल पुराना है। डायनासोर्स के साथ रहने वाले कई जीव जैसे मोसासोरस, इस्थायोसोरस, प्लेसियोसोरस और सभी उड़ने वाले रिप्टाइल्स जैसे प्टेरोसोरस सभी खत्म हो गया। इन सब के साथ उस वक्त के पेड़ पौधे भी जलकर बर्बाद हो गए। बस छोटे जीव जैसे मैमल, बर्ड, स्मॉल रिप्टाइल, मछलियाँ बच गई। एक बहुत ही फेमस थ्योरी एल्वरेज हाइपोथेसिस, जिसका नाम लुइस और वॉल्टर एल्वरेज के नाम पर रखा गया है। इनका कहना है कि एक बहुत बड़ी मेटेराइड्स पृथ्वी से टकराई, जिसके कारण पूरी पृथ्वी धूल, गैस और मलबे से भर गई। वातावरण में बदलाव आने लगा। एल्वरेज ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के जिस लेयर में डायनासोर्स मिलते हैं उस लेयर में इरिडियम की मात्रा ज्यादा है, और इस लेयर को केपीजी लेयर कहते हैं। इरिडियम मेटेराइड्स में ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण एल्वरेज का कहना है कि मेटेराइड्स पृथ्वी से टकराए होंगे। और इस बात पर साइंटिस्ट का यकीन तब और भी बढ़ गया जब उन्हें मेक्सिको यूकेशन पेनिनसुला के कोस्ट में चिक्जुलक क्रेटर मिली। ये गड्ढा 93 मीटर चौड़ा है, जो कि मेटेराइड्स के गिरने से ही बनी है, और गड्ढे में मिले पत्थर का कार्बन डेटिंग करके उनका उम्र पता लगाया गया। तो इससे पता चला कि ये गड्ढा ठीक उतना ही पुराना है जब डायनासोर्स खत्म हुआ। 2016 में साइंटिस्ट चिक्जुलक के सबसे गहराई में जाकर वहाँ मौजूद पत्थर के सैंपल पर रिसर्च किया, जिसके बाद उन्हें ये पता चला कि जब मेटेराइड्स पृथ्वी से टकराई तब कई पत्थर भाप बनकर वातावरण में मिल गया, जिसके कारण कई सालों तक पृथ्वी में ऐसा ही वातावरण बना रहा जो किसी का भी जान ले सकता था। पैलियोन्टोलॉजिस्ट मतलब जो लोग फॉसिल्स को देखकर पृथ्वी के पास के बारे में सर्च करते हैं, 2019 में नॉर्थ डाकोटा में केपेजी लेयर से एक ऐसा फॉसिल्स मिला जिसके ऊपर ग्लास जैसी नुकीली चीज बनी हुई थी। उन पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो पत्थर भाप बन गए थे वो वापस जमकर ऐसा बन गया। डायनासोर्स के खत्म होने पर एक दूसरी थ्योरी भी है, वो ये है। कई साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इतने बड़े डायनासोर्स पूरी दुनिया से सिर्फ मेटेराइड्स के कारण कैसे खत्म हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि डायनासोर्स पृथ्वी के कारण ही खत्म हुआ हो। 600 से 650
लाख साल पहले बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुआ करता था। आज ये लावा पृथ्वी के 2 लाख स्क्वायर माइल्स एरिया को कवर करता है जो कि 6000 फीट गहरा है, जिसके कारण पूरा आसमान दम घुटने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से ढक गया होगा, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी का वातावरण बदल गया होगा। कई रिसर्च से ये भी पता चला है कि डायनासोर 660 लाख साल पहले से ही बहुत ज्यादा संख्या में मर रहे थे। शायद उसका रीजन पृथ्वी में बदलाव या खाने पीने की कमी हो। साइंटिस्ट के इन थ्योरी में शायद कोई एक सही हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सही हो। 2019 में डेक्कन ट्रैप्स लावा में दो अलग अलग रिसर्चर्स ने रिसर्च किया और दोनों ही अलग अलग नतीजों में पहुंचे। एक का कहना है कि वोल्केनोस के कारण डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए होंगे और दूसरे रिसर्चर्स का कहना है कि वोल्केनिक इरप्शंस के बाद डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ। अब इस घटना को तो किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा है और रिसर्चर इस पर अब तक सर्च कर ही रहे हैं, तो जितना ज्यादा फॉसिल्स मिलेगी उन पर रिसर्च होगा उतना ही ज्यादा उस दौर के बारे में पता चलेगा। अब सवाल तो ये भी उठता है कि जब डायनासोर्स क्लाइमेट चेंज नहीं सरवाइव कर पाए तो मैमल्स, फिश जैसे छोटे छोटे जीव कैसे बच गए। रस ग्राहम पेन स्टेट के एक सीनियर रिसर्चर एसोसिएट का कहना है कि छोटे जीव तापमान के बदलाव को झेल सकते थे। कुछ जानवर होल बनाकर मिट्टी में घुस गए, पानी में रहने वाली मछलियां पानी के कारण बच गई होंगी। जब कुछ वक्त के बाद वातावरण ठीक हो गया होगा तो मिट्टी के अंदर छुपे हुए जीव बाहर आने लगे होंगे, पर तब तक बहुत सारे पेड़ पौधे जल गए होंगे और उनके सामने खाने को लेकर एक नई परेशानी सामने आई होगी। मैमस तो छोटे छोटे कीड़ों को खाकर जी रहे होंगे, पानी में रहने वाले जीव को खाना मिल जाता था और डायनासोर्स के खत्म होने के बाद यही छोटे छोटे जीव पूरी पृथ्वी में रहने लगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।